देखिए, नाम है ममता, लेकिन उनके मन में ममता तो है ही नहीं। आप देखे होंगे जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में मां बहनों के साथ जितना अत्याचार होता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले संदेश खाली की जो बात आई थी, आप देखे होंगे, तो कुछ नहीं, ममता जी कुछ नहीं करती हैं, वह सिर्फ तुष्टिकरण करती है, और तुष्टिकरण के आधार पर वह सत्ता में रहना चाहते। पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, घोटाला का उसी प्रकार से वहां से साम्राज्य है, कुछ लोगों को वोट के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत खुलेआम अपराध करने का, मां बहनों की इज्जत लूटने का अपराध करने का जो उन्होंने छूट दे रखी है, पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं, ममता जी के पास कोई ममता है ही नहीं। तमिलनाडु के सीएम तो बोलते हैं किसी हाल में सीए नहीं लागू करना देंगे हम, सब कुछ हो जाए। सीए कानून माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में इसको लाया था माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उस समय ही यह न्याय उन लोगों को मिले जो धर्म के नाम पर अपने तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। उनको पहले मिल जाना चाहिए था यह अधिकार, इसलिए कि धर्म के नाम पर उनको वहां प्रताड़ित किया जाता था, उनकी मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती थी, खुलेआम हत्या हो जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जाता, धर्म परिवर्तन करा दिए जाते थे। तो जो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, मान स्वाभिमान खोना नहीं चाहते थे, वैसे लोग भारत में आ गए। इसलिए कि भारत के स्वभाव को लोग जानते थे कि भारत मानवता को प्राथमिकता देने वाला देश है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मानवता के पुजारी हैं, और सेवा, लोगों की सेवा उनका धर्म है, मानते हैं धर्म है उनका। इसलिए बहुत संवेदनशीलता के साथ सीएए कानून आया है और उन लोगों को अधिकार मिला है। आज उन लोगों में खुशियां, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानवीय जीवन से बिल्कुल दूर रह रहे थे, वैसे लोगों के प्रति भी ये महागठबंधन के लोगों को कोई संवेदनशीलता नहीं है, संवेदन नहीं है उनके प्रति लोग, और मानवीय जीवन उनको मिले, उनको भी जीवन में न्याय और अधिकार के साथ जीने का हक मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस कानून को लाए हैं। और माननीय गृह मंत्री जब हाउस में इसको लाए थे तो उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। किसको खुश करना चाहते हैं सब जानते हैं, तुष्टिकरण उनकी नीति है। तो ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो क्या बोलेंगे? और उनके रोकने से सीए कानून रोकने वाला है नहीं।